हेलो एंड वेलकम टू आई एम क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना मिल्कशेक। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, मिनटों में बन जाता है। तो अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आइए बनाते हैं बनाना मिल्कशेक। बनाना मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक गिलास दूध। इसको मैंने गरम करके ठंडा कर दिया था, फ्रिज में रखा था, चिल्ड दूध है ये। बनाना यहाँ पे दो बनाना लिया है मैंने, इसको काट के रख दिया है। यहाँ पे मैंने कैडबरी के टुकड़े कर दिए हैं इस तरह से 1/4 चम्मच। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच चीनी, आप चीनी आपके स्वाद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम, और यहाँ पे आइस के क्यूब्स लिए हैं। अभी हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। एक मिक्सी का जार लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे दो बनाना डाल दिया है, उसके बाद चीनी, आपके टेस्ट के हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इलायची पाउडर और दूध। दूध को एक साथ ना डालें, थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसे अच्छे से मिक्स होने दे, फिर इसमें पूरा दूध आप मिक्स यूज़ कर सकते हो। देखिए अब अच्छे से इसे मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है थोड़ा दूध डाल के, अब पूरा दूध इसमें डाल दूँगी। अगर आपको मिल्क शेक जो है ज़्यादा थिक नहीं पसंद है तो आप एक ही बनाना यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें आइस क्यूब्स मिक्स कर देंगे और इसे एक और बार मिक्सी में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से इतना थिकनेस है इसका। आप इसका कम या ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैंने आइस क्यूब्स मिक्स कर दिए अंदर से, इसी के साथ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था आइस क्यूब्स को, ताकि ये चिल्ड हो जाए एकदम। अभी हम इसे सर्व कर देंगे ग्लास में, देखिए इस तरह से। बच्चे दूध ऐसे ही पीते नहीं है ना, तो इसीलिए आप थोड़ा उसमें चेंजेस करके आप उन्हें दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ख़ास बच्चों के लिए उसमें हम अब चॉकलेट के चिप्स मिक्स करेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है इससे। और इसमें और टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए वनीला आइसक्रीम डालेंगे, आप चाहे तो कोई भी आपकी पसंद की आइसक्रीम इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते इसको। देखिए इस तरह से हमने इसे सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।